वेलकम टू स्किड जी इंग्लिश स्कूल। दिस आर द इंट्रोडक्शन। ओके, सो क्लास सिक्स लेक्चर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर थ्री, सब्जेक्ट मैथ्स रिवीजन, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39247। सो आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.1, पेज नंबर 41। सो आज हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, ठीक है। सो यहां पे मैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। सो हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉलोइंग The following whole numbers, the following whole numbers on number line, numbers on a number line, on a number line. एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। सो मैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं ए वाला, ठीक है। ए का एग्जांपल 5, ठीक है, यहां पे ए है, एक मिनट। सो मैं फर्स्ट का एग्जांपल लेता हूं, आप देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, फिर आपको बाकी के एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो मैंने फर्स्ट का ले लिया ए का। सो आपको यहां पे क्या करना है, ठीक है, हमको रिप्रेजेंट करना है होल नंबर को ऑन अ नंबर लाइन पे। सो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक, और इसमें 1 to 5 या फिर 1 to 9 नंबर लिखना है। सो जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि जीरो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सो क्वेश्चन में कितना दिया है, 5। 5 कहां पे, यहां पे। सो यहां पे इसको नंबर लाइन पे, यहां पे, सॉरी, सो इसको यहां पे नंबर लाइन पे, यहां पे एक सर्कल बना देना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसको ऐसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट 5 पे उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी पे है, कितना है, 3। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो इसमें नंबर लिखने हैं, जैसे कि 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। सो कितना है, 3। सो 3 का आप यहां पे, तो उसको यहां पे ऐसा कर देना है। ये हो गया हमारा बी क्वेश्चन। सो फर्स्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर ऑन अ नंबर लाइंस। बाकी के दो एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं, मैंने दो एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताए, ठीक है। सो सी और डी वाला एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड, ठीक है, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का
सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन इन ईच पेयर ऑफ, इन ईच पेयर ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स नंबर्स राइट राइट द नंबर राइट द नंबर विच राइट द नंबर विच विच कम टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑफ द अदर ऑफ द अदर ऑन अ नंबर ऑन अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन है, इन ईच पेयर ऑफ होल नंबर्स राइट द नंबर विल विच विल कम टू द लेफ्ट ऑफ द अदर अदर ऑन अ नंबर लाइन। सो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहां से इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया जो कि था 7, 6, 3, 1, 2, 1, 2, 5। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर है इसको, ये छोटा नंबर जिसको लेफ्ट राइट में लेके जाना है। सो 1, 2, 5 इज लेस देन ऑफ 7, 6, 3, मतलब अपने को छोटा नंबर फाइंड करना है। तो सो छोटा नंबर कौन सा है, 1, 2, 5। सो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा, ये क्या होगा हमारा 1, 2, 5, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, अगर बी ले लेता हूं मैं, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर बी ले लिया, 1, 0, 1, 9, 8, 7, 8, 9, 1, 0, 0, 1। इसमें से अभी छोटा नंबर कौन सा है, सेम वो फाइंड करना है। तो 1, 0, 1, 9, 8, 7 इज लेस देन ऑफ 8, 9, 1, 0, 0। तो हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, 1, 0, 1, 9, 8, 7। सो हमको क्वेश्चन में हमको छोटा नंबर फाइंड करना है। तो यहां पे देखो, इस दोनों में से फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें छोटा कौन सा है, 1, मतलब 1, 2, 5 इज लेस देन ऑफ 7, 6, 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसमें इसमें दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये, ठीक है। सो 1, 0, 1, 9, 8, 7 इज लेस देन ऑफ 8, 9, 1, 0, 0, 1। तो मतलब ये नंबर छोटा है, तो ये हमारा आंसर 1, 0, 1, 9, 8, 7। सो एक्सरसाइज 3.1 में का सेकेंड का दो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए, बाकी के आपको सी डी ई एफ आपको सॉल्व करने, सेम ऐसे ही, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.1 का हम पढ़ेंगे थर्ड, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.1 का हम पढ़ेंगे थर्ड। सो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी होल नंबर, हाउ मैनी होल नंबर, होल नंबर नंबर्स आर देयर
इन आर देयर बिटवीन 72 एंड 97। सो क्वेश्चन क्या है अपना कि हाउ मैनी नंबर्स ऑन देयर बिटवीन 72 एंड 97। सो हमको क्या करना है, 72 और 97 के अंदर कितने नंबर्स है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, वो हमको फाइंड करना है। सो यहाँ पे कुछ आंसर है कि 72 और एंड 97, इन दोनों के बीच में कितने नंबर है। सो लगाओ 73 है, 74, 75, मतलब कितने नंबर्स है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कितने नंबर्स है। सो 73 है, ठीक है, 74 भी है, 75 है, ठीक है, 76 है, 77, 78, 79, 80, ठीक है, सो 81 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 82 भी है, 83, 84, 85, 86, 87 भी है, 88 भी है, ओके, 89 और 90 भी है, 91 भी है, ओके। 1 मिनट, ठीक है, 90, सो यहाँ पे 91 भी है, 92 भी है, 93 भी है, 94 है, 95, 96। सो कितने नंबर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 24 और 97। तो कितने नंबर है पूरे टोटल नंबर्स है, 25 नंबर्स। कितने नंबर्स है, 25, मतलब कितने है? देखो यहां से काउंट करो कितने नंबर से पूरे 25। सो हमारा आंसर कितना आ गया, सो 72 और 97 के बीच में कितने नंबर से पूरे 25 नंबर्स है, ओके। सो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया, ठीक है, 25। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मैं अभी लिख लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी हाउ मैनी होल नंबर्स, हाउ मैनी होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर देयर अप टू 50, आर देयर आर देयर अप टू 50, ठीक है। सो आपको तो मालूम नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होते, जीरो से, सॉरी होल नंबर कहां से स्टार्ट होते, जीरो से, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होते। सो बताओ आप नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते, ठीक है, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते।
है. सो होल नंबर इसका आंसर आ जाएगा. सो कितने नंबर, ये क्वेश्चन क्या है कि उनको बताना है आपको हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स है 50 की 20 में, नेचुरल नंबर कौन से और होल नंबर कौन से. सो होल नंबर तो आपको मालूम है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ. ठीक है. सो हम पहले लिखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर कितने आ जाएंगे 50, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते, डायरेक्ट 50. सो 50 कितने नेचुरल नंबर 50, और होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर प्लस मतलब ये नंबर प्लस 1. सो हमारा नेचुरल होल नंबर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर. सो मतलब होल नंबर क्या आ जाएगा, होल नंबर प्लस होल नंबर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कितने 50. सो 50 प्लस होल नंबर मतलब ये होल नंबर. सो 50 क्या है, होल नंबर. नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होता था 1. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 51. सो नेचुरल नंबर 50 है और होल नंबर है 51. ठीक है, समझ में आ गया. अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ. ठीक है, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ पढ़ेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन में है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है. ठीक है. सो मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा और डायरेक्ट आंसर लिखूंगा. ठीक है. सो आपको बुक में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5th है कि फिल इन द ब्लैंक, पेज नंबर 41. सो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा और मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप ध्यान सुनो और बुक में कीजिए. ठीक है. सो क्वेश्चन 5th क्या है, फिल इन द ब्लैंक. क्वेश्चन क्या है, फिल फिल इन द ब्लैंक. क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, मैं रीड करता हूं आप केयरफुली सुनो. ठीक है. डैट डैट डैश इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर. सो एक आंसर क्या आएगा, मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा फिल इन द ब्लैंक में कि डैट डैट डैश इज द होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर, मतलब कि जीरो ये होल नंबर है पर ये नेचुरल नंबर नहीं. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का जीरो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर रीड करता हूं. ठीक है. सो ऑन अ नंबर लाइन द स्मॉलर होल नंबर लाइज टू द डैट डैट डैश ऑफ द ग्रेटर होल नंबर. सो क्या है क्वेश्चन इसका, कि एक नंबर लाइन है, उस स्मॉल होल नंबर्स लाइज टू द लेफ्ट साइड, किधर आएगा, लेफ्ट साइड. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड में. तो ये आ जाएगा लेफ्ट सेकेंड का. ठीक है. थर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक का. सो देयर आर डैट डैट डैश होल नंबर्स अप टू 1000. सो होल नंबर 1000 है. ठीक है. 1000 में हम नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1001 से 1001 सी का आंसर. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का 6. ये फिल इन द ब्लैंक था, आपको बुक के अंदर इसको एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर फिल इन द ब्लैंक ये आपको सॉल्व करना है. सो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट 6th वाला. सो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 3.1 का सिक्स, ठीक है, सिक्स, सॉल्व सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग अ नंबर लाइन नंबर लाइन ठीक है. सो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्स प्लस सेवन, इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है. सो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है. इसमें नंबर ऐड करने हैं. सो मैं यहां से जीरो स्टार्ट करूंगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ठीक है. सो अब हमको क्या करना है, सिक्स यहां पे देखो, सिक्स प्लस सेवन कितना होता, थर्टीन. थर्टीन होता, हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में. देखो कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, सिक्स सिक्स प्लस सेवन थर्टीन. सो अब इसमें कैसे ड्रॉ करना है. सो नंबर कहां से स्टार्ट करना है, सिक्स से. यहां पे देखो सिक्स, यहां पे का है सिक्स, तो सिक्स कितने टाइम्स, सेवन टाइम्स. कितने टाइम्स, सेवन टाइम्स. कहां से नंबर स्टार्ट करना है, ये देखो सिक्स से. सो यहां पे का है सिक्स, कितने टाइम्स, सेवन. सो वन, ये वन, टू, थ्री, इसमें और लिख लेता हूं नंबर, इलेवन, ट्वेल्व और थर्टीन. सो ये टू, ये फोर, फाइव, सिक्स और सेवन. तुम्हारा ये हमारा आंसर आ गया. कितने से, देखो सिक्स से, कहां से स्टार्ट करना था, सिक्स. सो कहां सिक्स, कितने टाइम, सात टाइम. सो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्टीन. सो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्टीन, ठीक है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नाउ मैं क्वेश्चन सेकंड ले लेता हूं, बी, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में है कि फोर इंटू फाइव, फाइव फोर जार ट्वेंटी. सो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल एक ड्रॉ करना है, ठीक है. सो यहां से नंबर जीरो से स्टार्ट करना, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन और ट्वेंटी. सो अब इसको कैसे स्टार्ट करना है, ये कितने नंबर है, फोर. सो फोर कितने टाइम्स करना है, फोर टाइम्स. फिफ्थ पांच टाइम करना है, कितने टाइम, पांच. कितने से, चार से. सो ये हो गया हमारा फोर, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच. कितने टाइम्स करना है, पांच. तो हमारा आंसर क्या आ गया, कितने से, फोर. सो कितने से लेना है, फोर, फोर से. सो फोर, फोर एट, दो कितने टाइम्स लेना, पांच. तो फोर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. तो हमारा आंसर क्या गया, ट्वेंटी. सो एक्सरसाइज 3.1 में का सिक्स मैंने दो एग्जांपल सॉल्व किए, बाकी के दो एग्जांपल सी और डी आपको सॉल्व करना है. थैंक यू.